दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में अभी संक्रमित मरीजों की संख्या 18,07,222 पहुंच गई है। इसमें से एक्टिव मरीजों की संख्या 5,80,223 हो गई है, जबकि अच्छी बात यह है कि 11,88,389 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 38,176 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र जो अभी तक सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है, वहां पर 4,41,228 मामले हो गए हैं, जबकि तमिलनाडु में अभी 2,57,613 मामले हैं। इसी के साथ आंध्र प्रदेश में 1,58,764 मामले हो गए हैं, जबकि दिल्ली में अभी 1,37,677 और कर्नाटक में 1,34,819 मामले हो गए हैं। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि महिलाओं के लिए बसों में 24 घंटे की यात्रा निःशुल्क। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने महिलाओं को रक्षाबंधन पर निःशुल्क यात्रा का तोहफा दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि रक्षाबंधन आज है, ऐसे में निगम ने आज रात्रि 12 बजे तक सभी श्रेणी की बसों में महिलाओं की यात्रा को निःशुल्क कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि क्षेत्रीय प्रबंधक धर्मेंद्र नाथ ने बताया कि रविवार रात्रि 12 बजे से सोमवार रात्रि 12 बजे तक ये सुविधा जारी रहेगी। बस में सफर करते समय महिलाओं को टिकट लेना होगा जो शून्य किराए का होगा। जिन महिलाओं ने 3 अगस्त की बस यात्रा की विंडो से एडवांस टिकट बुकिंग करवा रखी है, वह राशि निगम के किसी भी काउंटर से यात्रा समाप्ति के 72 घंटे के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। परंतु दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने रविवार को कहा कि महामारी के मद्देनजर इस साल रक्षाबंधन पर हरियाणा रोडवेज की बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर आई सरकार के इस फैसले की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आलोचना की है। दोस्तों देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि आज लॉकडाउन खत्म, अफवाहें फैलाने पर होगी कार्रवाई। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन की ओर से शुक्रवार शाम 6 बजे से लगाया गया 60 घंटे का लॉकडाउन सोमवार सुबह 6 बजे खत्म होने से शहर में जिंदगी एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेगी। आपको बता दें कि लॉकडाउन को लेकर हालांकि रविवार को भी दिन भर शहर में असमंजस की स्थिति रही और 5 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रखने की चर्चाएं रहीं, लेकिन प्रशासन ने एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि फिलहाल लॉकडाउन केवल 60 घंटे तक सीमित है और जो भी 5 अगस्त तक लॉकडाउन की अफवाहें फैला रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू जिले में लॉकडाउन वीकेंड तक ही सीमित है, फिलहाल लॉकडाउन बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। पहले के आदेश के मुताबिक शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक ही लॉकडाउन रहेगा। जो लोग भी अफवाहें फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगे और आपको बताते कि सफेद और गुलाबी राशन कार्ड धारकों को अगस्त में मिलेगा 3 महीने का मुफ्त राशन। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले जून के 2,15,000 सफेद और 15,000 गुलाबी राशन कार्ड धारकों को इस महीने जुलाई और अगस्त का मुफ्त राशन एक साथ दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें माह का नियमित राशन भी मिलेगा। इस तरह इन राशन कार्ड धारकों को अगस्त में एक साथ 3 माह का राशन मिल जाएगा। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद से केंद्र सरकार सफेद और गुलाबी कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त में राशन दे रही है। केंद्र सरकार ने नवंबर तक प्रति यूनिट 5 किलो राशन मुफ्त देना तय किया है। इस क्रम में अप्रैल से जून तक जहां प्रति यूनिट 5 किलो चावल दिया गया था, अब जुलाई से नवंबर तक प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाना है। दोस्तों यहां पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपका राशन कार्ड बना हुआ है? अगर बना हुआ है तो सरकार की तरफ से मुफ्त राशन क्या मिलता है आपको? अगर मिलता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगे और आपको बता दें कि गरीबों को 8 रुपए में खाना खिलाएगी राजस्थान सरकार, शुरू होगी ये स्कीम। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान सरकार गरीबों को 2 वक्त का भोजन मुहैया कराने के मकसद से पूरे राज्य में इंदिरा रसोई योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत गरीब लोगों को महज 8 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। आपको बता दें कि कोई भूखा न सोए, हर एक जरूरतमंद व्यक्ति तक खाना पहुंचे, इस संकल्प को साकार करने की दिशा में गहलोत सरकार 20 अगस्त से इंदिरा किचन स्कीम लॉन्च करने जा रही है। प्रदेश के शहरी इलाकों में जरूरतमंद लोगों को अब राज्य सरकार रियायती दरों पर दोनों टाइम का खाना मुहैया करवाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश भर में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को शुद्ध और पौष्टिक नाश्ता और खाना रियायती दरों पर उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने बताया कि इस योजना पर सालाना करीबन 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस स्कीम के तहत वैन गाड़ियों की बजाय स्थायी दुकानों पर खाना मुहैया करवाया जाएगा, जो कि काफी किफायती दरों पर उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाएगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगे और आपको बता दें कि भारत में महामारी वैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के ह्यूमन ट्रायल को मंजूरी।
दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया भर में महामारी संकट के बीच लोगों को वैक्सीन का इंतजार है। इसको लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक शोध और ट्रायल में लगे हुए हैं। इस बीच भारत में ऑक्सफोर्ड की महामारी वैक्सीन दूसरे और तीसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। दोस्तों आपको बता दें कि एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक देश की शीर्ष दवा नियामक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भारत में ऑक्सफोर्ड की संभावित महामारी वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के मानव ट्रायल को मंजूरी दे दी है। दोस्तों आपको बता दें कि आधिकारिक सूत्र ने बताया कि गहन मूल्यांकन के बाद DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को क्लिनिकल एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी दी है। गौरतलब है कि भारत में ऑक्सफोर्ड की महामारी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड मिलकर कर रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि बिहार से महामारी को लेकर एक राहत भरी खबर है। संक्रमित परिवारों के बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं और अलग से परीक्षाएं। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में महामारी को लेकर ये राहत भरी खबर है। स्कूलों को संक्रमित परिवारों के बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं और अलग से परीक्षाएं करवाने की व्यवस्था करनी होगी। पटना के कमिश्नर संजय कुमार अग्रवाल ने स्कूल प्रबंधन को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। कमिश्नर के निर्देश में ये भी कहा गया है कि महामारी काल में ऑनलाइन क्लास कर रहे स्कूली छात्र अगर नेटवर्क की समस्या की वजह से ऑनलाइन परीक्षा से वंचित रह गए हैं तो उन्हें भी इसका मौका दिया जाए। दोस्तों आपको बता दें कि कमिश्नर संजय कुमार अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा है कि महामारी संक्रमण के दौर में अगर कोई बच्चा परिवार में संक्रमण की वजह से ऑनलाइन कक्षाएं नहीं कर सका है या परीक्षाएं नहीं दे सका है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था करनी होगी। साथ ही खराब इंटरनेट नेटवर्क की वजह से किसी बच्चे की पढ़ाई या परीक्षा बाधित नहीं होनी चाहिए। कई अभिभावकों की शिकायत मिली है कि नेटवर्क और अन्य तकनीकी कारणों से बच्चे परीक्षाएं समय पर नहीं दे पाए हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अमिताभ बच्चन नानावटी अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, कही उन्होंने बड़ी बात। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को मुंबई के नानावटी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्हें अस्पताल में महामारी के इलाज के लिए भर्ती किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन ने इस बारे में जानकारी देते हुए लिखा है कि मेरा महामारी टेस्ट पॉजिटिव आया था और अब अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मैं सेल्फ आइसोलेशन में घर पर हूँ। सर्वशक्तिमान की कृपा, माँ बाबूजी के आशीर्वाद, निकटवर्ती दोस्तों और प्रशंसकों की फैंस की प्रार्थना और नानावटी में उत्कृष्ट देखभाल ने इस दिन को देखने के लिए मेरे लिए संभव बना दिया। दोस्तों आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन ने भी पिता के स्वास्थ्य में सुधार होने की जानकारी देते हुए ट्विटर पर लिखा कि मेरे पिता का हालिया महामारी टेस्ट नेगेटिव आया है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अब वे घर पर ही रहेंगे और आराम करेंगे। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि गृह मंत्रालय ने CAA के नियम बनाने के लिए 3 और महीने का समय मांगा। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संशोधित नागरिकता कानून यानी कि CAA संबंधी नियम बनाने के लिए 3 महीने का और समय मांगा है। अधिकारियों ने रविवार यानी कि 2 अगस्त को बताया कि इस संबंध में आवेदन अधीनस्थ विधान संबंधी स्थायी समिति से संबंधित विभाग के समक्ष दिया गया है। नियम के तहत किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के 6 महीने के भीतर उससे संबंधित नियम बनाए जाने चाहिए, अन्यथा समयावधि विस्तार की अनुमति ली जानी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि उल्लेखनीय है कि CAA में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इस विधेयक को करीबन 8 महीने पहले संसद ने मंजूरी दी थी और इसके खिलाफ देश भर में अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हुए थे। विधेयक पर राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2019 को दस्तखत किए थे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि राम मंदिर की तर्ज पर बनेगा अयोध्या रेलवे स्टेशन, 104 करोड़ रुपए होंगे खर्च। दोस्तों आपको बता दें कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी युगों से भक्ति और आस्था का केंद्र बिंदु रही है। इस नगरी का यही महत्व श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। यहाँ हर दिन पूरे विश्व से श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। इसी को देखते हुए अयोध्या नगरी का रेलवे स्टेशन भी भारतीय रेल में अपना एक खास स्थान रखता है। अयोध्या रेलवे स्टेशन हर दिन अनेक गाड़ियों को संचालित करते हुए यात्रियों का अयोध्या दौरा कराता है। अब जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है तो अयोध्या स्टेशन के कायाकल्प की भी तैयारी की गई है। स्टेशन को भी राम मंदिर की तर्ज पर ही एक नया स्वरूप दिया जाएगा। स्टेशन का विकास कार्य जून 2021 तक पूरा हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि रेल मंडल की ओर से अयोध्या रेलवे स्टेशन के स्वरूप, यात्री सुविधाओं, स्वच्छता, सौंदर्य और अलग अलग जरूरी सुविधाओं में बड़ा बदलाव करते हुए इस स्टेशन को नए रूप से सजाने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। अयोध्या स्टेशन के नए और आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस भवन के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में 80 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 104 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और दोस्तों
दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि विदेशों से आ रहे यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी, इन नियमों का करना होगा पालन। दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से भारत आ रहे लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के मुताबिक विदेश से आने वाले नागरिकों को 14 दिनों का क्वारंटीन जरूरी होगा। इसके अलावा 7 दिन का पेड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिन का होम आइसोलेशन में रहना होगा। सभी यात्रियों को भारत आने से कम 72 घंटे पहले newdelhiairport.in पर एक घोषणा पत्र देना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के ये नए दिशा निर्देश 8 अगस्त 2020 से लागू होंगे। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक जो भी लोग विदेश से आ रहे हैं उन्हें अपने आने की जानकारी 72 घंटे पहले देनी होगी। यात्रा से कम 72 घंटे पहले नई दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट newdelhiairport.in पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में उन्हें अपनी सेहत से जुड़ी ताजा जानकारी देनी होगी। मुसाफिरों को पोर्टल को एक एफिडेविट भी देना होगा। वे 14 दिनों के क्वारंटीन पीरियड का पालन करेंगे। भारत आने पर मुसाफिरों को शुरू के 7 दिन खुद के खर्च पर ही किसी क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। इसके बाद 7 दिन घर पर क्वारंटीन रहना होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बताते हैं कि आज से सस्ता सोना खरीदने का मिलेगा मौका। 3 से 7 अगस्त तक सरकार जारी करेगी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। दोस्तों आपको बता दें कि आज यानी कि 3 अगस्त से एक बार फिर से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदने का मौका मिलेगा। 3 से 7 अगस्त तक गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया जा सकेगा। इसके तहत प्रति ग्राम सोने की कीमत 5,334 रुपए तय की गई है। जो लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे और डिजिटल पेमेंट करेंगे उन्हें प्रति ग्राम 50 रुपए का डिस्काउंट भी मिलेगा। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में 2 अगस्त को सोना 53,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। इसके हिसाब से 1 ग्राम सोने की कीमत 5,345 रुपए हुई। वहीं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के तहत प्रति ग्राम सोने की कीमत 5,334 रुपए तय की गई है। यानी इसमें आपको बाजार रेट से सस्ता सोना मिल रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि आरबीआई ये बॉन्ड भारत सरकार की तरफ से जारी कर रहा है। आरबीआई के अनुसार बॉन्ड की कीमत 999 शुद्धता वाले सोने के लिए पिछले 3 वर्किंग डेज में साधारण औसत बंद भाव मूल्य पर आधारित है। इससे पहले 6 से 10 जुलाई के बीच यानी कि चौथी सीरीज में सब्सक्रिप्शन के लिए खुला बॉन्ड का इशू प्राइस 4,852 रुपए प्रति ग्राम था। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि देश में हर दिन महामारी के 50,000 से ज्यादा मामले और दम तोड़ने वालों का दर भी तेजी से बढ़ा। दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी की रफ्तार तेज है। हर रोज देश में संक्रमित होने वालों का आंकड़ा अब 50,000 के पार पहुंच रहा है। आज हर दिन पूरी दुनिया में 2,86,051 लोग महामारी से संक्रमित हो रहे हैं। 1 जुलाई से इसमें और तेजी आई है। जहां तक भारत की बात करें तो पिछले दिन 57,000 से ज्यादा महामारी पॉजिटिव मामले सामने आए। पिछले एक सप्ताह में भारत में हर दिन महामारी से बीमार होने वालों की तादाद 50,000 से आगे निकल गई है। दोस्तों आपको बता दें कि अब तक पूरे देश में महामारी के 37,364 लोग दम तोड़ चुके हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ जुलाई के महीने में 18,000 लोगों ने महामारी से दम तोड़ दिए। एक स्टडी के मुताबिक जुलाई के महीने में हर घंटे 25 लोग महामारी से दम तोड़ रहे हैं। ये आंकड़े बेहद ही खतरनाक हैं। महामारी की मार ऐसी है कि कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि पिछली कैबिनेट मीटिंग में शामिल हुए थे अमित शाह, क्या अब पूरी कैबिनेट करवाएगी महामारी टेस्ट? दोस्तों आपको बता दें कि भारत में महामारी से मुकाबले के रणनीतिकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद को महामारी संक्रमित पाए गए हैं। रविवार की शाम 4:43 पर गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे ये जानकारी दी तो हर कोई हैरत में पड़ गया। दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्री ने ट्वीट करके कहा कि महामारी के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो लोग भी बीते कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं कृपया खुद को आइसोलेट करके अपनी जांच करवाएं। महामारी पॉजिटिव पाए जाने के बाद अमित शाह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक उनके इलाज के लिए एम्स की एक टीम भी मेदांता अस्पताल जा सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक अमित शाह का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग किया जाएगा, लेकिन उनके सभी कैबिनेट सहयोगी जो बैठक में शामिल थे उनका महामारी टेस्ट होगा या नहीं ये अभी स्पष्ट नहीं है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी महामारी पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि उनकी तबीयत ठीक है लेकिन डॉक्टर्स की सलाह पर उन्हें भी फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कर्नाटक सीएम ने अपने ट्विटर हैंडल पर महामारी पॉजिटिव होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत ठीक है लेकिन डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक सीएम ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि मेरी महामारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, हालांकि मैं ठीक हूं, मैं डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं जांच कराएं और अभी से ही सेल्फ क्वारंटीन हो जाएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मुंबई में पटना एसपी क्वारंटीन, निरुपम बोले लगता है कि बीएमसी मुंबई पगला गए। दोस्तों आपको बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस की जांच 2 राज्यों की पुलिस कर रही है। इस मामले में लगातार नए मोड़ सामने आ रहे हैं। राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।
साथ ही दो राज्यों की पुलिस एक दूसरे के आमने सामने है। बिहार पुलिस की ओर से इस मामले की जांच करने मुंबई पहुंचे पुलिस अफसर को बीएमसी ने क्वारंटीन कर दिया है, जिस पर अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। इसके अलावा मुंबई पुलिस पर जांच में सहयोग न करने का आरोप भी है। दरअसल रविवार को पटना के एसपी सिटी विनय तिवारी इस मामले में जांच की कमान संभालने मुंबई पहुंचे थे, लेकिन आरोप है कि बीएमसी ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया और फिर क्वारंटीन में डाल दिया, जिस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि पटना सिटी के अफसर को क्वारंटीन में भेजने का विवाद बढ़ता जा रहा है। अब कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने इस पर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मुंबई पुलिस बीएमसी पगला गए हैं, अगर अफसर को क्वारंटीन किया जाएगा तो जांच कैसे होगी। इस मामले में नीतीश कुमार ने कहा कि अफसर के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे डीजीपी इस मामले में महाराष्ट्र में बात करेंगे। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बताते कि कांग्रेस ने पायलट के सामने रखी घर वापसी के लिए शर्त। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि सचिन पायलट पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करे, उसके बाद ही पार्टी में उनकी वापसी पर कोई बातचीत होगी। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा था कि पायलट यदि पार्टी हाईकमान से माफी मांग लेते हैं तो हम उन्हें गले लगा लेंगे। कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि राजस्थान में उनकी सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है और 14 अगस्त को विधानसभा में वह अपना बहुमत साबित कर देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सचिन पायलट को पहले आकर बातचीत करनी चाहिए, पायलट बाहर आए और अपनी स्थिति स्पष्ट करें, उसके बाद ही उनकी वापसी पर कोई बातचीत हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि भारत ने बनाया दबाव, कहा कि टकराव वाले सभी इलाकों से पूरी तरह से अपने सैनिक हटाए चीन। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर तनाव कम करने के लिए रविवार को भारतीय और चीनी सेना के शीर्ष कमांडरों के बीच 5वें दौर की बातचीत हुई। करीबन 11 घंटे चली बातचीत के दौरान भारत ने पेंगोंग सो और टकराव वाले अन्य क्षेत्रों से जल्द चीनी सैनिकों को पूरी तरह से वापसी को लेकर दबाव बनाया। घटनाक्रम से परिचित सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। दोस्तों आपको बता दें कि सूत्रों का कहना है कि यह बैठक LAC पर चीन की तरफ से माल्डो में सुबह 11 बजे शुरू हुई और रात के 10 बजे तक जारी रही। सूत्रों ने बताया कि बातचीत में भारतीय पक्ष ने पेंगोंग सो के फिंगर इलाके से लेकर टकराव वाले सभी क्षेत्रों से चीनी सैनिकों की यथाशीघ्र पूर्ण वापसी और पूर्वी लद्दाख के सभी क्षेत्रों में 5 मई से पहले वाली स्थिति की बहाली पर जोर दिया। 5 मई को दोनों तरफ के सैनिकों के बीच पेंगोंग सो में संघर्ष शुरू हुआ था। कोर कमांडर स्तर की पिछली वार्ता 14 जुलाई को हुई थी, जो करीबन 15 घंटे तक चली थी। उस समय भी भारतीय पक्ष ने PLA को स्पष्ट तौर पर बता दिया था कि उसे पूर्वी लद्दाख में पहले की स्थिति बरकरार रखना होगा और शांति बहाल करने के लिए सीमा प्रबंधन के संबंध में उन सभी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जिन पर परस्पर सहमति बनी है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि रक्षाबंधन पर कई जगह पर भारी बारिश का अलर्ट। दोस्तों आपको बता दें कि 3 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन के साथ ही सावन का महीना भी खत्म हो जाएगा और कहा जाता है कि सावन में मौसम का कुछ नहीं मालूम, कभी धूप तो कभी छांव। ऐसे में पिछला महीना मिला जुला रहा, देश में कई जगहों पर भारी बारिश हुई, बाढ़ ने भी दस्तक दी। अब आगे भी फिलहाल मौसम खराब रहने का अलर्ट जारी हुआ है। हालांकि सावन महीने के बाद देखा गया है कि फिर से गर्मी अपने पैर पसारती है। मौसम विभाग ने रक्षाबंधन के दिन भी कई जगहों पर भारी बारिश और कहीं मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान लगाया है। आपको बता दें कि 24 घंटों के दौरान कर्नाटक और दक्षिणी कोंकण गोवा क्षेत्र में कुछ जगह पर अच्छी बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल और उत्तरी कोंकण गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। उधर दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा, दक्षिणी पश्चिम और दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी गुजरात, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मेघालय और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।